बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से आई हूँ आप साथ में। यार एक वीडियो है, मैं आप यकीन करें जब मैंने देखी है मैं भी बहुत हंस रहा था ये वीडियो देखकर। अक्सर मैं आप साथ ऐसी वीडियो भी शेयर करता रहता हूँ। भाई ये पाकिस्तानी की वीडियो है, यहाँ पर आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ वीडियो क्या है। आप हजून शायद इससे पहले टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कहीं देख भी ली हो, लेकिन मैं आप भाइयों को एक दो बातें बताऊंगा, यकीनन आप भाइयों को फायदा होगा जो खासकर यहाँ से छुट्टी के ऊपर जाने वाले मेरे भाई हैं। आपकी अगर भाई 50 किलो वजन लिखा हुआ है और साथ में 7 किलो का हैंड कैरी है, पहले की बात छोड़ दें, ठीक है जी। पहले मेरा भी एक दफ़ा, मैं जितनी बार भी छुट्टी गया हूँ, एक दफ़ा की बात आपको बता देता हूँ, मैंने 50 किलो वजन लिखा हुआ था तो 53 किलो या 54 किलो मैं लेके गया हूँ। गुजरा है जी, उसने कोई बात नहीं की थी, इतिहाद एयरलाइन थी, उन लोगों ने कोई बात नहीं। मैंने नास्का इतिहाद का और PIA का और सऊदी एयरलाइन का और फ्लाई नास्का और फ्लाई अदील का इनका सफ़र किया हुआ है। तो बहरहाल जी, वो उन लोगों ने कोई बात नहीं की, 3-4 किलो ज़्यादा था, जो 25-25 किलो के बैग होते हैं तो वो गुजर गया 2 बैग जी। उसके अलावा मेरा हैंड कैरी था, एक दफ़ा मेरे मुझको खुद से याद है 10 किलो का हैंड कैरी था, 14 किलो था उसमें वजन, लेकिन बैग छोटा था। वो PIA की टिकट थी उस टाइम, उन लोगों ने वजन भी किया हो वहाँ पर उसका, 14 किलो था तो उन लोगों ने बोला मुश्किल नहीं जाओ। 4 किलो वजन मेरा उस टाइम भी ज्यादा चला गया था, क्यों भाई, बैग छोटा था। ये उन लोगों की मेहरबानी होती है, निकाल देते, वरना वो भाई पूरा वजन आपको बोले लेकर जाएंगे। वो पहले की बात आपको बता रहा हूँ मैं। और एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ मैं इसी वीडियो में, कि अगर आपका 7 किलो का हैंड कैरी था और आपने उसमें 10 किलो रखा हुआ है तो हैंड कैरी छोटा था आपका, बशर्ते के 2-3 किलो उसमें जायद भी था तो कोई मुश्किल नहीं थी, वो बोलते थे ले जाओ। हैंड कैरी बड़ा है तो उसमें 7 किलो ही फिर वो जाने देंगे, वरना वो बोले, वो वही बार ही बोल देते हैं जो वजन ज्यादा वो निकालो या पैसे दो या ये हैंड कैरी ही चेंज करो, छोटा लेके कैबिन में ऊपर रखते हैं। भाई आप इतना बड़ा बैग ले जाएंगे तो वो कैबिन में कैसे पूरा आएगा, इसलिए अभी वो थोड़ा सोचते हैं। पर अभी की बात आपको बताता हूँ मैं, अभी भाई बिल्कुल ऐसा नहीं हो रखा है। हालांकि ये इस पाकिस्तानी की वीडियो पहले की है, इस बंदे ने जो किया हुआ है आप देख लेंगे, पहले तो कंबल एक नया लेकर जा रहा है ये सऊदी अरेबिया से, इसने कंबल वो लपेटा हुआ है अपने ऊपर, क्यों, वजन ज्यादा हो गया होगा, इसने बोला कंबल निकालो ऊपर डालो खलास। जब अपने ऊपर कोई भी चीज आप डालकर लेकर जाएंगे, अपने गले में पहनकर बांधकर अपने गले में लपेटकर, तो उसका कोई वजन नहीं होता है, आपका कौन सा वजन होगा, वो तो जाने देके मुश्किल नहीं है। लेकिन एक भाई बात बन जाती है, जैसे इस बंदे की वीडियो वायरल हुई है तो पाकिस्तानियों के काम कुछ ऐसे ही है जी। बहरहाल मैं ना अभी की आपको बात बताने लगा था, अभी भाई मामला बिल्कुल बरक्स है पहले की निस्बत। कैसे, आपका अगर 40 किलो 50 किलो वजन लिखा हुआ ना तो 40 किलो ही लेकर जाइएगा, मैं आपको अभी बता भी देता हूं। और अगर हैंड कैरी 7 किलो है तो 7 किलो ही लेके। अभी मेरा एक दोस्त गया है जी, 40 किलो वजन था, 7 किलो का हैंड कैरी था, ठीक है जी, 42 किलो बैग हुए हैं, 7 किलो का हैंड कैरी हुआ है, 7.5 किलो का, तो वो उन लोगों ने हैंड कैरी उसका जाने दिया। 42 किलो वजन हुआ है, 2 किलो ज्यादा था, उन लोगों ने उस 2 किलो के पैसे लिए हैं उससे जी। PIA की एयरलाइन थी, 2 किलो जायद वजन था, उस 2 किलो जायद वजन के पैसे वसूल किए गए हैं उस बंदे से, फिर उसका वो वजन दाने दिया है। और अभी भाई एक 2 किलो का अगर वजन भी आपका जायद है तो उसके भी पैसे ले रखे हैं। हालांकि पहले 2-3 किलो जायद होता था तो वो निकल जाता था, लेकिन अभी नहीं निकलने दे रखे हैं। ये मैं आपको अभी की सूरत हाल से आगाह कर रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, जाने की आपकी सलाह है तो वजन उतना ही लेकर जाइएगा जितना टिकट के ऊपर है, इससे ज्यादा वरना आपको भाई वहां पर अच्छे खासे पैसे, गालबन 50 रियाल किलो के लेते हैं मेरे हिसाब से, तो बाकी शायद मैं गलत हूं, लेकिन 50 रियाल भी अगर किलो के लें तो आपका 4 किलो भी ज्यादा हो गया तो 200 रियाल आपसे ले लिया जाएगा।